Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619, NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. So we are here again to solve one question from biology section of NEET UG 2016, phase 2 now. Alright, now we have started with phase 2 of NEET UG 2016. So let's start, let's begin with the question. Mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another is called. The first thing in this question we come to that comes in our mind, that what is this term linkage group mean? Linkage group is all the genes present in one chromosome. Suppose this pen is a chromosome, so all the genes present on this pen is known as a linkage group. और इस पेन के लिए जीन क्या है? द ब्लैक कलर ऑफ दिस पेन. पूरे पेन पे जो है ब्लैक कलर है, यू कैन कंसिडर ब्लैक कलर एज जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. वी हैव कंसिडर पेन एज अ क्रोमोसोम, सो ब्लैक कलर इज द जीन. ऑलराइट, तो ऑल द क्रोमोसोम, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन वन सिंगल क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज अ लिंकेज ग्रुप. ऑलराइट, टर्म लिंकेज ग्रुप क्या है ये क्लियर हो गया. नाउ मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनादर इज कॉल्ड. यहां पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे भयानक कंफ्यूजन होता है, वो है ट्रांसलोकेशन एंड क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर. ट्रांसलोकेशन क्रॉसिंग ओवर दोनों में एक ही चीज है बट थोड़ी सी डिफरेंट है. एक ही चीज कैसे है, दोनों में ही ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है. ठीक है, क्वेश्चन में भी ये पूछा है मैकेनिज्म दैट कॉसेस जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनादर. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले एलिमिनेशन से अपन इन्वर्जन और डुप्लीकेशन को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं. सो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, ट्रांसलोकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर. ऑलराइट, ट्रांसलोकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस क्या है, हम इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे टेबुलर फॉर्म में. ऑलराइट, ट्रांसलोकेशन, द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द फर्स्ट डिफरेंस आई विल बी टेलिंग टू यू द फर्स्ट डिफरेंस. ऑलराइट, सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन ट्रांसलोकेशन द एक्सचेंज बिटवीन द जीन्स अकर ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. ऑलराइट, जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन होते हैं, ट्रांसलोकेशन के केस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे. एंड वहीं क्रॉसिंग ओवर में क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑब्वियसली. अच्छा, नॉन होमोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता इन शॉर्ट बता देता हूं. वो क्रोमोसोम्स जो अपीरियंस में साइज में सेम होते हैं. ऑलराइट, जैसे ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, अपीरियंस में ऑलमोस्ट एकदम सेम हैं, एग्जैक्ट जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, नॉन होमोलोगस जो साइज एंड अपीयरेंस में डिफर करते हैं, जैसे ये दोनों, दीज आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. सो ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. बोथ ट्रांसलोकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जीन, बट फॉर ट्रांसलोकेशन द ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, बड़े से छोटे में जाएगा जीन लाइक दिस. ऑलराइट, और वहीं क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जाएगा. फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है. अब जो बाकी के डिफरेंसेस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फर्स्ट डिफरेंस था. ठीक है, नाउ ट्रांसलोकेशन इट इज टाइप ऑफ म्यूटेशन. ऑलराइट, ये एक टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है ट्रांसलोकेशन. एंड क्रॉसिंग ओवर इट इज नॉट एट ऑल अ म्यूटेशन, इट इज अ जनरल रिकॉम्बिनेशन. Alright, it is a general recombination. Crossing over
कि जब बात होती है इट इज अ जनरल रिकॉम्बिनेशन, ऑलराइट। कॉजेज ट्रांसलोकेशन की केस में कॉजेज एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम, एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं क्रोमोसोम्स में, एंड इसमें नो एबनॉर्मलिटी In fact, the crossing over is general process in prophase 1 of meiosis. अपन पढ़ते हैं ना crossing over, recombination हुआ, recombinase enzyme, crossing over में, sorry, meiosis में पढ़ते हैं ना, that is only the crossing over, all right? Now the fourth and the last difference, it can causes some, you know, fatal, the translocation can causes some fatal changes in the human body. For example, cancer. Ye fatal ho sakte hain, translocation, alright? And again, crossing over, not at all fatal. Alright? Now the question says, mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another is called, पूरे question में homologous chromosome कहीं पे भी नहीं बोला, alright, कहीं पे भी ये नहीं बोला homologous chromosomes है, अगर ये specify नहीं है, we have to consider the chromosomes to be non-homologous, so the correct answer will be the first option, ट्रांसलोकेशन। पूरे क्वेश्चन में होमोलोगस क्रोमोसोम कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द अपीयरेंस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन द होल क्वेश्चन, सो वी हैव टू कंसिडर इट एज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, ट्रांसलोकेशन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। Again, the main difference is this first difference. Translocation is the transfer of genes from one linkage group to another in non-homologous chromosome. And crossing over is again the transfer of genes from one linkage group to another, but in homologous chromosome. So I hope you understand well this question. If you understand well, please subscribe this channel and like this video. Again, best of luck for your exams. Thank you and have a nice day.